तो पहले जरा तुम माइनोरिटी इतने ब्रांच ऑफिस खोली है ये तुम मुबारकबाद दी तो उस तो वही गल कि सिरसा जी बुलाना या मनजीत जी बुलाना तां सफल है जे को काम मिलो इन्हों जो टीचर की तनखा दो ढाई ढाई हज़ार ने बी एड की है तो इन्हों कमेटी वाले दो तीन तीन हज़ार रुपया नाल दे दें इन्हें तनखा पाँच हज़ार हो जाए चार हज़ार हो जाए दूजी गल सेवा रणजीत कौर कर रही है ये इतने घर के भी नेड़े गया तो इन दफ्तर भी इतने भी मिल गया टिकट मिलती कि नहीं मिलती मिले ना मिले लेकिन सरदार मथालू साहब सरदार हरदर सिंह जी साढ़े चेयरमैन साहब के मैंबर द ग्रोथ मैनेजमेंट कमेटी सरदार मनजीत सिंह जी औलख साहब साढ़े चेयरमैन साहब स्कूल जरमाली साढ़े सीनियर मैंबर साहबाना के फरजंद ने और इस इलाके बहुत सेवा कर रहे हैं प्रधान अकाली दल के सरदार जसबीर सिंह जस्सा साहब चेयरमैन साहब सरदार हरजिंदर हरविंदर सिंह जी तो बाकी सारिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भैन साड़ी बीबी जी भैन जी का साढ़े का बीबी जी थोड़े साड़ी तो भैन जी ने इन्ह का विशेष तौर पर धन्यवाद करना है देखो एक असी जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी च आए साढ़े तो पहला ही सरदार मैंने याद आ कि एक बार सरदार हर सिंह जी मेरे को पंजाबी बारे जो मैं काउंसलर हूँ तो इन्होंने ये मेरे को डिस्कस की एक बार गल बहुत गल कि इस तरह तो मैंने बड़ी हैरानगी जी हुई उस वे कि समाज के अंदर ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने कोई इलैक्शन नहीं कोई किसी कमेटियां ना वास्ता नहीं अपनी सोच में लैके चलते हैं सब तो पहला इस सैल में स्थापित किया और इस सैल में स्थापित करके एक मजबूत सैल बनाया ये अंदर चंगे लोग बीबी रणजीत कौर जी साढ़े मथालू साहब में असी इन्हों के लगाया कि यू सब तो बाद अपने बच्चों तक आप मैसेज आ सकी पर फिर हर स्कूल अंदर वर्कशॉप लाई गई हर स्कूल माँ बाप को दसया गया और इस साल तो मैं इन्हों बेनती की फिर तो याद भी करा देना इस याद भी आ जाएगा कि सारे प्रिंसिपल साहबान उन्होंने कहो कि हर बच्ची डायरी के अंदर लिख के भेजे कि जेडे माँ बाप जरूरतमंद ने वह माँ बाप का इन सर्टिफिकेट मनोरिटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं था सा हाले इनकम का सू सर्टिफिकेट आता एस टी एन का दो इनकम सर्टिफिकेट